विवादित बयान ब्राह्मणों के खिलाफ दिया है। ब्राह्मणों का तो अगर 2 साल का भी बच्चा होगा हम उसको बाबा कहते हैं, अपने सिराना बैठाते हैं, ये गलत प्रचार न करें। मैंने कल पलवल की मीटिंग में ये कहा कि हम मंदिरों में बहुत दान देते हैं, मंदिरों को भी जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे वे कुंभ में कावड़ में दान करते हैं, अपने भंडारे लगाते हैं, इस किसान कुंभ में भी उनको भंडारे लगाने चाहिए। ये कोई ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मण तो किसान है। ये मैंने मंदिरों के लिए कहा, और मंदिरों में जो पुजारी हैं, जो ट्रस्ट है वहाँ के, वो सरकारी ट्रस्ट हो, वो वैसा ट्रस्ट हो। और बहुत मंदिरों ने ये कहा है कि हम भंडारे लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी सेवा करते हैं, लड्डू प्रसाद बनवा के बेचते हैं। तो हमने उनको ये कहा कि अपने बैनर भी वहाँ पर आप लगाओ, जिन जिन मंदिरों से आ रहा है वहाँ पर बैनर भी लगाओ कि हिंदू धर्म की जो आस्था है वो मंदिरों में है। तो गलत प्रचार ना करे कोई भी कि हमने मंदिरों के खिलाफ और उसके खिलाफ कहा। ये एक बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र एक चल रहा कि किसान वैसे नहीं मानने तो इनको दूसरे तरीके से बताओ। ये हिंदुस्तान की जो कल्चर है ये दो ही पद्धति पर टिकी हुई है, ये ऋषि और कृषि, ये दोनों का तालमेल है और हम इन दोनों पद्धतियों को मानते हैं, उसी पे ही आधारित ये आंदोलन है। ये हिंदुस्तान की जो नींव है वो ऋषि और कृषि पद्धति पर टिकी हुई है, उस पद्धति को हम दोनों को मानते हैं। यहाँ पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को छेड़खानी कोई करेगा, जब यहाँ पे हलचल पैदा होगी, कोई कृषि में छेड़खानी करेगा तो हलचल पैदा होगी। ये यहाँ की भारत की नींव है, ये इनमें कोई छेड़खानी नहीं करता, ना हमारा ब्राह्मणों के खिलाफ है, ना पंडितों के खिलाफ है। पंडित का मतलब अपनी देसी भाषा में जो गांव के मंदिर हैं उसमें जो ब्राह्मण रहते हैं, या किसी भी जाति का है, हम उसको सबको पंडित कहते हैं, उनकी सब आदर सत्कार करते हैं। उनसे मेरी सबसे अपील है कि आप भी, ये किसान यज्ञ हैं, आप भी उसमें आहुति दें, अपने भंडारे जो भी आपको दान पुण्य उसमें करना है, आप लड्डू बनाओ, ये कराओ, गांव से इकट्ठा करो, और एक बड़ी आस्था हमारी मंदिरों में उसमें है, तो आप भी उसमें दान पुण्य करें। ये मेरा सब्जेक्ट है, इसको घुमा फिरा के कोई भी आदमी इसको त्रोड़ त्रोड़ के पेश न करे। यहाँ पे पंडित जी का मतलब है वो खेती करता है, ठीक है, वो खेती करने वाले लोग।